हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलूंगा मेरे क्लाइंट के घर पे। वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो उनका जो लैंड है, उस लैंड में हम लोग किस तरीके से प्लॉटिंग करते हैं। जो हमारा जो लेआउट होता है, जो कि सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होता है, किस तरीके से जमीन पे लेआउट किया जाता है, पिलर का मार्किंग कैसे दिया जाता है, फुटिंग का साइज क्या होता है, ये सारी चीजें आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं उस प्लॉट के साइज पे जहाँ पे लेआउट हो रहा है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे एक साइट पे जो कि हमारा राय में है। राय में अभी ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट का चल रहा है जहाँ पर हम लोग लेआउट कर रहे हैं। ये जेसीबी आप देख सकते हैं, आफ्टर लेआउट ये अभी एक्सकवेशन का काम यहाँ पर होगा, गड्ढा खुदाई होगा। ये सामने का गेट है, ये रहा मेन एंट्रेंस है यहाँ का। आप देख पा रहे हैं कि सामने किस तरीके से लेआउट का जो हमारा काम है ये चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेआउट हो चुका है आउटर बाउंड्री का, और यहाँ पर कॉलम का पोजीशन दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड्स में, ये चारों तरफ से दिख रहा है आपको कि यहाँ पर अभी चूने से हम लोग मार्किंग कर रहे हैं कॉलम्स का पोजीशन जहाँ पर अभी एक्सकवेशन हो। ये मेरे साथी हैं बसंत सिंह, यहाँ पर ये कॉलम का जो लेआउट लेकर के, कॉलम का ये हमारा लेआउट है, इस तरीके का लेआउट प्लान है हमारा। यहाँ पर अभी इसी से लेआउट करेंगे। ये बसंत जी हैं। तो ये यहाँ पर पूरा अभी जो हमारा यहाँ पे साइट है उसका पूरा लेआउट का काम करवा रहे हैं। तो ये जो हमारी जो फुटिंग की साइज बन रही है, ये हमारा 4.5 बाय 4.5 का बन रहा है। तो हमारा जो आफ्टर डिगिंग ये 4 फीट का ही बचेगा। इसका कंप्लीट होते ही फिर जो यहाँ पर आपका जो अंदर में जो जाली बनेगी वो 3.5 की जाली बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे लाइन के कॉलम का पोजीशन के लिए दूसरी लाइन लिए जा रही है। यहाँ पर एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक के लिए ये हमारा जो प्लान है जो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बनाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कॉलम का लेआउट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुका है, वर्टिकल लाइन सभी हम लोग ले रहे हैं ताकि दोनों पॉइंट जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमारा कॉलम का सेंटर पॉइंट निकलेगा कि उस जगह पे हमारा कॉलम का पोजीशन है। तो अभी आप देख सकते हो दो आदमी यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे चूना गिरा रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर चूना गिर रहा है जो हमारा कॉलम के लिए, वहाँ पर एक्सकवेशन का काम होगा। आफ्टर सारा जो पोजीशन है वहाँ पर देख सकते हैं ये डंटा जो हमारा ले करके ये कर रहे हैं पॉइंट, ये 2.5 फीट का है। इसे चारों तरफ पॉइंट गिरा रहे हैं सेंटर पॉइंट से। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट लेआउट हो चुका है पूरा साइट पे। यहाँ पर आपका अभी हमारा जो कॉलम है 24, तो इस तरह से 24 नंबर ऑफ कॉलम्स का हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से लेआउट कंप्लीट हो गया। तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इसके बाद का पूरा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने देखा कि घर पे किस तरह का लेआउट किया जाता है, किस तरीके से जो ज़मीन पे लेआउट करना हो किस तरीके से किया जाता है, क्या हमारा फुटिंग का साइज़ हमने दिया है, और क्या कैसे कैसे ये जो पूरा स्टेप्स होता है आपने इसके बारे में सीखा। तो इस तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।